प्रदेश विधानसभा चुनाव में मिलकर लड़ने वाले सपा प्रमुख अखिलेश यादव और सुभा सपा के ओम प्रकाश राजभर के बीच दोस्ती की खाई गहराती जा रही है। बीजेपी से बगावत कर सपा के साथ आए ओपी राजभर इन दिनों सियासी उलझन में हैं। ऐसे में राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू और विपक्षी उम्मीदवार यशवंत सिन्हा के बीच सहमत के खेल में राजभर ने शुक्रवार को अपना पत्ता खोल दिया। अब सवाल उठ रहा है कि क्या राजभर राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू को समर्थन कर बीजेपी के साथ एक बार फिर से ताल से ताल मिलाकर चलेंगे। ओम प्रकाश राजभर ने राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि सुभा सपा के विधायक राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए को वोट करेंगे। राजभर ने कहा कि मुख्यमंत्री और द्रौपदी ने समर्थन मांगा था, अमित शाह का फोन भी आया था और उनसे मेरी मुलाकात भी हुई, उन्होंने भी द्रौपदी मुर्मू के लिए समर्थन मांगा है। ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के 6 विधायक हैं और सभी द्रौपदी मुर्मू को समर्थन करेंगे। ऐसे में सुभा सपा के विधायक और मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी भी द्रौपदी मुर्मू को वोट करेंगे। राजभर ने कहा कि हमें सीएम योगी ने डिनर पार्टी में बुलाया था, जहां द्रौपदी मुर्मू ने कहा था कि आप कमजोर की लड़ाई लड़ते हो तो हम आपका समर्थन करेंगे। इसके अलावा 12 जुलाई को अमित शाह ने फोन करके द्रौपदी मुर्मू के लिए समर्थन मांगा था। उधर अखिलेश यादव पर हमला बोलते हुए राजभर ने कहा कि यशवंत सिन्हा समर्थन में सहयोगी दल के तौर पर जयंत चौधरी को बुलाया जा सकता है, तो ओम प्रकाश राजभर को क्यों नहीं बुलाया जा सकता। उन्होंने कहा कि हम अभी भी गठबंधन में हैं, वो चाहें तो निकाल दें, मैं सिर्फ अपनी पार्टी के नेताओं को जिताने के लिए सीट मांगते हैं और कुछ नहीं। उनके नवरत्नों में से एक रत्न ने बता दिया कि 5 जुलाई को फोन कर कहा कि आप अपना देखो हम अपना देखेंगे। वहीं राष्ट्रपति चुनाव में सुभा सपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने द्रौपदी मुर्मू को समर्थन करने के फैसले का बीजेपी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने स्वागत किया है। राकेश त्रिपाठी ने कहा कि द्रौपदी मुर्मू को समर्थन कर ओम प्रकाश राजभर ने शोषित वंचित समाज के हित के चिंतक होने का परिचय दिया है। अन्य विपक्षी दल भी समर्थन के लिए पुनर्विचार करें, क्योंकि आज़ादी के बाद पहला मौका जब देश को पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति मिल सकेगी। बता दें कि आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा उपचुनाव में सपा को मिली हार के बाद अखिलेश राजभर के रिश्तों में दरार आ गई थी। आपको बता दें कि आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा उपचुनाव में सपा को मिली हार के बाद अखिलेश राजभर के रिश्तों में दरार आ गई थी। उस समय राजभर ने अखिलेश को एसी कमरे से बाहर निकलकर राजनीति करने की सलाह दी थी। अखिलेश ने भी पलटवार करते हुए कहा था कि उन्हें किसी की सलाह की जरूरत नहीं है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि राजनीति में आजकल पता नहीं कौन कहां से ऑपरेट हो रहा है। इस पर भी राजभर ने जवाबी हमला बोलते हुए कहा था कि सत्य कड़वा होता है। आपको बता दें कि सूबे में एक तरफ विपक्षी दल अखिलेश यादव के खिलाफ जबरदस्त तरीके से सियासी चक्रव्यूह रच रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सहयोगी दल झिटक रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव के बाद महान दल ने सपा गठबंधन से पहले नाता तोड़ा है और अब ओपी राजभर अलग होने की दिशा में कदम बढ़ा दिए हैं। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि हर चुनाव के बाद सहयोगी दलों के साथ सपा के रिश्ते क्यों बिगड़ जाते हैं, तो राजभर बीजेपी में वापसी की कवायद में हैं। ऐसे में राष्ट्रपति का चुनाव उनके लिए एक उम्मीद लेकर आया है। देखते हैं यूपी की सियासत में क्या समीकरण बनते हैं।